आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि योनो एप्लीकेशन से फिक्स डिपॉजिट कैसे करें और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि अगर आप इसमें 50,000 रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो कितना टाइम तक रखने पे कितना रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो वीडियो को देखते रहिए। और उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। योनो एप्लीकेशन से फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए योनो एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए और एम पिन डालकर जो है आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हैं तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको एक डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस डिपॉजिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिक्स डिपॉजिट को ओपन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट और उसके बगल में लिखा हुआ है कि ओपन फिक्स डिपॉजिट। आपको क्या करना है कि ओपन फिक्स डिपॉजिट पर आपको क्लिक कर देना है। फिक्स डिपॉजिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है कि आप कितना फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो अमाउंट को यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपये, जितना भी आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपका जितने भी अकाउंट में बैलेंस होंगे वो सारा बैलेंस जो है आपको नीचे दिख जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट टेक्स्ट सेवर, अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट सेवर से होता क्या है कि आपका यहाँ पर टैक्स कुछ बच तो जाएगा पर वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे यहाँ पर डालने पड़ेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। अमाउंट को आप टाइप कर दीजिए और उसके बाद आपको नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कितने साल के लिए करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो ईयर वाले में जाकर 1 साल को टाइप कर दीजिए, 1 टाइप कर दीजिए। अगर आप 5 साल के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ पर 5 टाइप कर दीजिए। अगर आप 6 महीने के लिए करना चाहते हैं तो मंथ में जाकर 6 मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी मेच्योरिटी का यहाँ पर डेट होगा वो वहाँ पर आपको नीचे जो है दिखा दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको नीचे दिख रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी इंटरेस्ट रेट है वो सारा इंटरेस्ट रेट आपको दिखा दिया जाएगा कि कितने दिनों तक रखते हैं आप पैसे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट जो है कितने परसेंट जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने 1 अप्रैल को फिक्स डिपॉजिट किया था तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है और 1 साल के लिए वो है 5.10%, जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2030 को जो है ये कंप्लीट हो जाएगा मेच्योरिटी, और उसके बाद जो है मुझे ये पैसे मिल जाएंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसे करके जो है आप फिक्स डिपॉजिट के लिए यहाँ पे आप डेट को टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू इंटरेस्ट रेट पर आप क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो पे आउट है, यानी कि आपका जो पैसे आपने 1,00,000 रुपए यहाँ पे या 50,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट किए हैं उसका जो मंथली जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आप कैसे लेना चाहते हैं। अगर आप महीने में लेना चाहते हैं तो हर महीने में जितना इंटरेस्ट होगा वो आपको जो है मिल जाएगा। अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हैं तो ईयरली सेलेक्ट करते हो तो हर साल का जो है ईयरली में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि सबसे लास्ट वाला जो है मेच्योरिटी वो आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें होगा क्या कि जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 1,00,000 का जो भी इंटरेस्ट होगा वो साथ में ही आ जाएगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1,00,000 रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसका 5,198 रुपये जो है मुझे मिलेगा। तो जैसे 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा बस आपको जो है यहाँ पर आपका पैसा जो 1,00,000 रुपये होगा वो और आपका जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो यहाँ पे पैसे आपने 1,00,000 रुपये या जितने भी पैसे आपने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट किया है वो पैसे 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो है वो पैसा का क्या करना है आपको। अगर वो पैसा को दोबारा फिक्स डिपॉजिट पे करना चाहते हैं तो ऑटो रिन्यूअल जो लिखा हुआ है उस पर सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपका जो भी पैसा है वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा, यानी कि फिर से वो फिक्स डिपॉजिट पे लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो तो जितने भी पैसे हैं मेरे वो सारे मेरे अकाउंट में आ जाए, तो क्रेडिट टू अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है, जैसे कि मैंने 1,00,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट पे लगाया है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल यानी कि 1,00,000 रुपये जो है वो लग जाए दोबारा रिन्यूअल में और इंटरेस्ट जो है वो मुझे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो तीसरे नंबर पर जो आपको दिख रहा है रिन्यू प्रिंसिपल एंड रिपे इंटरेस्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका 1,00,000 रुपये जो है वो दोबारा जो है 1,00,000 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो है लग जाएगा फिक्स डिपॉजिट पे और आपका जो इंटरेस्ट होगा वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो इंटरेस्ट वाला और 1,00,000 रुपए जो भी है वो क्रेडिट हो जाए सारा अकाउंट में, तो क्रेडिट टू अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने जो है रिव्यू करने के लिए आ जाएगा, तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा अपने अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद नीचे जो है टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। डाउनलोड का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके जो है फिक्स डिपॉजिट का जो भी फॉर्म है डॉक्यूमेंट है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ओके, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे और योनो एप्लीकेशन में जाने के बाद, माय डिपॉजिट में जाने के बाद, अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे जाएंगे तो जो भी आपका डेट चल रहा है, जो भी आपका मंथ चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपने कितना इसमें पैसे को डाला है वो भी आपको दिखा देगा। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। इसे स्टेटमेंट को भी आप यहाँ से जो है बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया कि योनो एप्लीकेशन के मदद से कैसे जो है आप फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कम से कम आप एक साल के लिए अपने पैसे को रखते हैं तभी आपको जो है अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिखेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।